हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों जिनके ऊपर छत नहीं है उन लोगों को कपड़े और कंबल बांटे। मुंबई से समीर शाह की रिपोर्ट। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त इतनी रात को ठंडी का माहौल है, आप लोगों की सेवा के लिए निकले हैं, इसका मकसद क्या, इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है या वाकई में सेवा हो रही है? जैसे कि आप बोल रहे हो कोई इलेक्शन का देखते हुए कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हो आप या ऐसा बोल रहे हो, ये आपका गलत क्वेश्चन है। क्योंकि ये रोड पे रहने वालों का वोटर आईडी या आधार कार्ड हम लोग चेक करने नहीं आए हैं, बस एक सेवा का मकसद है और सेवा ही करने आए हैं। ठंडी का मौसम देखते हुए हम लोग रोड पे ऑन रोड कार्यक्रम करते रहते, कुछ चलते रहते हैं, लोगों की सेवा करने मन में रहता है, बस उसी को देखते हुए हमारे हसन भाई हमारी टीम पूरी सब मिलके छोटा छोटा कलेक्शन करके तो बड़ा एक कार्यक्रम करके इसको लाके लोगों की सेवा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आ जाए। तो सर, ये एक दिन का प्रोग्राम है या कंटिन्यू चलेगा जब तक ठंडी का मौसम है? ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। ये आपका तीसरा प्रोग्राम भी अगले 15 दिन 20 दिन बाद या महीने भर के अंदर वापस करने वाले। सर, दूसरी बात हम चाहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कर रहे हैं या कुछ लोग मिलकर खाली कर रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग? योगी एनएम फाउंडेशन के लोग हैं जी, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ मुंबई के उत्तर ये उपाध्यक्ष अपने हसन भाई और मैं वार्ड का अध्यक्ष हूं, मेरे साथ में अपने पार्टी के सभी लोग हैं, सब मिलके कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।